नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और जनता का मूड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जनता का मूड के इस एपिसोड में हम आपको इस बार बताएंगे नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, उनके क्षेत्र में उनके चेयरमैन ने कितना विकास कार्य करवाया है और उसको देखते हुए आगामी नवम्बर में होने वाले चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है और उनका मूड किसको चुनने का है। तो आइए आज हम चलते हैं टोंक, जहाँ पर जानेंगे जनता का मूड। आज हम बात कर रहे हैं नगर परिषद टोंक की चेयरमैन लक्ष्मी जैन जी से कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह का डेवलपमेंट कराया और जब अब चुनाव नवंबर में होने वाले हैं स्थानीय निकायों के, तो ये और इनकी पार्टी किन किन हाइलाइट्स को लेकर जनता के बीच जाएंगी। आपका स्वागत है जनता का मूड प्रोग्राम में। किस तरह की आपने डेवलपमेंट कराया इस टोंक में, क्या क्या डेवलपमेंट आपके कार्यकाल के रहे? देखिए, जब से सभापति का पद हमने संभाला है 2014 से, तब से टोंक शहर को पूरे राजस्थान में पिछड़े शहर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब हम सभापति पद संभाला, जनता से यही वादा किया था कि टोंक को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और विकास आपको करके दिखाएंगे, तो उनकी आशाओं पर पूरा खरा उतरने का हमने पूरा प्रयास किया है। और जिस तरह से जनता ने हमें आशीर्वाद और प्रोत्साहन और प्यार दिया, उसी के अनुसार हमने 5 साल में पूरे हमारे पार्षदों के साथ, पूरे नगर परिषद की टीम, हमारी पूरी पार्टी, सबने मिलकर शहर के विकास में काफ़ी डेवलपमेंट किए हैं। जिस तरह हम बताएं कि शहर को स्वच्छता के रूप में हम ले लेते हैं, तो हमने घर घर गाड़ी चलाकर जो शहर में जो प्रत्येक घर से कचरा लेने का काम किया है, वो भी पूरे राजस्थान में टोंक शहर से शुरू किया है। उस तरह मोबाइल वैन सबसे पहले टोंक शहर में हमने चलाई है, उसके बाद बाकी सब जगह चली है। इसी तरह शौचालय बना के शहर को ODF भी बहुत जल्दी बनाया है, ताकि शहर में स्वच्छता रह सके। आज आप देख रहे हैं कि पहले शहर में हर जगह कचरे के ढेर, हर गलियां गंदी रहती थी, लेकिन आज हर जनता, हर पब्लिक यही कहती है कि हम सोच भी नहीं सकते टोंक हमारा कभी स्वच्छ भी होगा। तो ये लोगों को लगा, ये क्लीन सिटी के रूप में आज हमारा शहर जाना जा रहा है। इसी तरह विकास के रूप में पहले शहर की जो हालत थी, चाहे शहर की एंट्रियाँ ले लीजिए, चाहे शहर के चौराहे ले लीजिए, चाहे शहर के पार्क ले लीजिए, लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी कि हमारे बच्चों के घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिश्तेदार आते हैं तो हमारे उनको कहाँ घुमाने लेके जाए, सब रिश्तेदारों को बुलाने की इच्छा नहीं होती, ऐसी बातें सब लोग करते थे। लेकिन इन सब बातों को हमने, उनकी शिकायतों को दूर किया और नेहरू पार्क, किदवे पार्क, वो शहर में कई पार्क हमने डेवलप किए, शहर के कई चौराहे हमने डेवलप किए, जो कि शहर की एंट्री पे एक जयपुर एंट्री पे ही है, कामधेनु सर्किल के नाम से हमने डेवलप किया है। देखा, लक्ष्मी जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो चीज़ इन्होंने की है, ऐसा इनका मानना है, जो काफ़ी सालों से नहीं हुई थी। चाहे बस स्टैंड का नवनिर्माण हो या फिर योगासन की जो मूर्तियां हो, फाउंटेन हो, या जो इंटरलॉकिंग करते हुए इस शहर की मुख्य सड़कें हो, तो इनको पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से इस टोंक नगर परिषद में भाजपा की वापसी होगी। अभी हमने जाना था टोंक नगर परिषद की सभापति लक्ष्मी देवी जी के विचार कि उन्होंने किस तरह के दावे किए कि उनके कार्यकाल में इस टोंक में कितना विकास हुआ। अब हम बात कर लेते हैं नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष गायत्री चौरसिया जी से। गायत्री जी, जो उन्होंने वादे किए हैं, दावे किए हैं, वादे जो किए थे वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे कर दिए, और जो दावे किए हैं वो किए हैं कि शहर में सफाई हो गई, बहुत सारी रोड उन्होंने बनवाई है, बहुत सारे चौराहे बनवाई हैं, या फिर उन्होंने फाउंटेन वगैरह बनवाए हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो दावे किए गए कितने सही और कितने सच्चे हैं? उन्होंने दावे किए हैं कि हमने रोड बनवाए हैं स्वच्छता के लिए भी, लेकिन कुछ कई रोडों की दशा की दुर्दशा बहुत गंदी है। आप जाके देखिए उनके घर के बाहर की रोड कैसी हो रही है, और वार्ड की मीटिंग में उनके जो सांसद है पार्टी के, उन्होंने ही कहा है कि ना कोटा रोड पे जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें घटिया मटेरियल काम में लिया गया है, तो उसके जाँच के लिए वो बोल के गए हैं। उनके पार्टी के ही सांसद संतुष्ट नहीं है और उसको ठेकेदार को बोला है कि उसको ब्लैकलिस्ट में डाला जाए, और स्वच्छता के नाम पर
सारे आप जाके देखिए, गलियां वैसी की वैसी दशा है, वैसी की वैसी गंदी नालियां पड़ी हुई है, सफाई के नाम पे बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, नाले भरे पड़े हुए हैं। जो काम हुआ है, जो बाहर का केवल दिखावे का हुआ है, अंदर जाके देखेंगे तो अंदर की स्थिति वैसी की वैसी है। ये सब जो बाहर नज़र आ रहे हैं, ये पार्क, फाउंटेन और जो रोड पर बताया गया है इन्होंने, वो सब दिखावे का काम है, अंदरूनी काम जैसा का जैसा ही है। अच्छा, आवारा पशुओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि शहर के आवारा पशु सब उन्होंने दूर किए हैं, उनको करे पूरे रोड भरे पड़े हैं। आप जाके देखिए क्या हालत है, लोगों के आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को निकलने में कितनी प्रॉब्लम होती है, गायें बैठी रहती है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। जानवर आवारा पशु तो रोड पर भरे पड़े हुए हैं। इनका गायत्री जी का कहना है कि जो भी यहाँ पे बोर्ड था वो कांग्रेस का था, हालांकि वो संयोगवश भाग्यवश लक्ष्मी जी चेयरमैन बन गई और उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद उतना काम नहीं किया, उनके पास ऊपर भ्रष्टाचार के एलिगेशन भी लगे। तो देखना यह होगा, दिलचस्प होगा कि नवंबर में जब चुनाव होंगे तब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस और अन्य दल किस तरह से यहाँ पर भाजपा का विरोध करते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जाते हैं। इस समय हमें टोंक में और जान रहे हैं लोगों से जनता का मूड और जनता की राय भी कि जो पिछले 5 साल हैं उनमें यहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन लक्ष्मी देवी ने कितना काम किया और कितने की आशाएं थी। अजी, नाम क्या है आपका? नाहिद मियाँ। नाहिद भाई, क्या लगता है आपको पिछले 5 साल में नगर परिषद में जो चेयरमैन रही और तो कितना काम करवाया है वहाँ पे? सर, चेयरमैन रही लेकिन चेयरमैन बहुत बढ़िया है, हमने इतने साल से होगी लेकिन चेयरमैन बढ़िया काम करा, चेयरमैन ने टोंक को चमन कर दिया। आज तक ऐसा कोई चेयरमैन नहीं आया जो लक्ष्मी जैन ने काम करा है, वो आज तक किसी चेयरमैन ने ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह पार्क बना दी, हर सुविधा, कचरे की सुविधा, पूरा टोंक को चमन कर दिया, हमारा पूरा मार्केट। लेकिन ये गाय वाय तो सब घूम रही आवारा पशु, लेकिन ये भी क्या है कि नगर परिषद की वो तो कह के चली जाती है, वो कुछ उनके मजदूरों के पीछे थोड़ी रहेगी, वो तो अपना काम कह के इनको बंद कर लो, ले जाओ, लेकिन लेके जाती है। अच्छा, कुछ सड़कें भी खुदी हुई हैं? कोई सड़कें खुदी हुई है, थोड़ा काम चल रहा है उधर बड़े कुएं की साइड के, खड्डे खोच रहे बहुत है। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम। वसीम भाई, आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ होगा इस नगर परिषद के कार्यकाल में? पहले चेयरमैन रहे पर ऐसा विकास हमने कभी देखा नहीं जैसा विकास अभी देख रहे हैं 5 साल के अंदर। अच्छा। आप अभी भी ये चेयरमैन बनेंगी पूरी उम्मीद है। अच्छा, जैसे सफाई का, अगर सफाई के लिए लें, सफाई को देखें टोंक की, तो सफाई पहले से अच्छी है या कोई बदतर हो गई क्या? नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा सफाई है टोंक में। और ये गायों करिए, गायों को तो क्या है, थोड़ा थोड़ा भी दूर हट जाएंगी, वो तो मेहनत कर रही है लक्ष्मी जैन जी। अच्छा, सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति थोड़ा खड्डे है, वो भी सही हो जाएंगे। वैसे तो 5 साल के अंदर बहुत विकास हो गया, और अभी राजस्थान के अंदर तो बस स्टैंड आ रहा है नंबर 1 टोंक का बस स्टैंड आ रहा है, ऐसा बस स्टैंड हमने कभी देखा नहीं था, राजस्थान के अंदर नंबर 1 बस स्टैंड आ रहा है। और लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं जो यहाँ के हैं, इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? रामजीलाल चौधरी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, हम बात कर रहे हैं कि 5 साल में नगर निगम का जो कार्यकाल रहा, आप कैसे देखते हैं, कितना अच्छा काम किया या नहीं किया, या क्या विकास की कैसे? सर, विकास तो हुआ, ऐसी बात नहीं है, लाइटें लगी है, ऐसी व्यवस्था तो है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ी बहुत समस्या तो रहती है। अच्छा, जैसे जिस सड़क पे आप आए हैं ये थोड़ी सी खुदी हुई है, तो ऐसी स्थिति है टोंक में या इससे अच्छी है? हाँ, समथिंग ऐसी है स्थिति, तो ये पार्किंग व्यवस्था सही नहीं है, पार्किंग तो गाड़ियाँ तो बाहर लगा देते हैं, यहीं लगा देते हैं, जाने वाली समस्या रहती है, समस्या तो ऐसी ही थोड़ी बहुत। और ये सफाई की व्यवस्था, जैसे वो गाय देखिए, वो गाय खड़ी हुई है रस्ते में, ऐसे गायें तो ऐसे ही घूमती रहती है बाहर, गायें की कोई व्यवस्था नहीं है, गायों को अंदर नहीं डालते, बाहर ही कोई समस्या रहती है। मतलब इस फ्रंट पर नगर परिषद फेल हो गई? हाँ, या तो फेल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाइटें वाइटें लगाई, ये थोड़ा बहुत व्यवस्थित तो करी, ये ऐसी बात तो है ही नहीं। और भाई साहब यहाँ पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इस नगर परिषद का जो काम हुआ उसका कितने संतुष्ट है? भाई साहब, नगर परिषद का जो 5 साल में काम हुआ, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो इतने हुए हैं सर, जो पहले नहीं हुआ है, जो काम अब हुआ है, और सारी जनता भी बहुत संतुष्ट है इस काम से, नए निर्माण से, काफ़ी निर्माण हुआ है बहुत नगर परिषद द्वारा, जो अब संतुष्ट हो रहे हैं लोग बाग। अच्छा, जो सड़क है, जिस सड़क से आप आए हो, वहाँ जैसे गाय भी बैठी है, कचरा भी है, उबड़ खाबड़ी भी है, खुदी हुई है, तो कहाँ दिख रहा है विकास, कहाँ दिख रहा है? विकास तो धीरे धीरे हो ही रहा है सर, गवर्नमेंट ने अपने सभापति जी ने कहा है कि आने वाले टाइम में इसका भी निर्माण करवाएंगे, चतुर्भुज का चल ही रहा है निर्माण, तो उस आधार पे उसका निर्माण होते ही जर का लेंगे। और लोगों से बात कर लेते हैं, भाई साहब हैं, भाई साहब नाम क्या है आपका? चंद्रशेखर पारिक। पारिक साहब, पिछले 5 साल में यहाँ पर, क्योंकि बोर्ड तो कांग्रेस का था और जो सभापति थी वो बीजेपी की बन गई,
तो आपको लगता है कि कहीं ये टोंक के विकास में कहीं ना कहीं बाधक बना होगा ये चीज़? बहुत अधिक, क्योंकि लक्ष्मी जयंती जब तक बहुत अच्छा विकास हुआ है और इसमें कोई शक नहीं, निसंदेह। किस तरह का विकास हुआ है, कोई जैसे कोई सड़कें, सफाई, किस फ्रंट पे ज़्यादा विकास हुआ और किस फ्रंट पे फेल हो गई? सभी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों के अंदर बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अच्छा, ये जैसे सड़कों पे गायें बैठना ये चीज़ है, तो ये कोई सुधार हुआ पहले से? इनको कुछ रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो आपको पता है कि दोनों सरकारें जब विपक्ष में हो जाती है तब एक तो खींचता है, एक पकड़ने का प्रयास करता है। एक भ्रष्टाचार के भी आरोप उन पे विपक्ष लगाता रहा है। वो इसलिए लगाता रहा है क्योंकि काम तो सभी करते हैं, खाते सभी, पर काम करने वाले को ज़्यादा महत्व देते हैं। और भाई हैं, भाई कहाँ के आप, यहाँ के? तो क्या लगता है आपको, आप देखते हो नगर परिषद का काम आपने देखा होगा 5 सालों में, तो कितने कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है? मेरे 42 साल की उम्र है और 42 साल में पहली चेयरमैन ये है जिसने टोंक की पहचान छोड़ी। आज तक इतने चेयरमैन आए, आज तक किसी ने पहचान नहीं छोड़ पाए। ये पहली सक्सेस जो 1 घंटा बंद पड़ा था इसको भी चालू करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, सड़क, पानी, सफाई व्यवस्था, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, या नगर निगम में जाओ, नगर परिषद में या नगर निगम में आप जाओ तो वहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है या शादी के सर्टिफिकेट है, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक है अभी यहाँ? बिल्कुल कंप्लीट है साहब। तो ऐसी और क्या लगता है आपको कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी 5 साल? मैं तो कह रहा हूँ दोबारा लक्ष्मी देवी को अगर मौका दिया जाए 5 साल में तो सोने की चिड़िया बन जाएगी हमारा टोंक वापस। अच्छा, हम और लोगों से बात करेंगे कि इस टोंक को लेकर उनके विकास की जो भी बात थी वो कैसे थी। हालांकि हम आपको वास्तविकता बता दें कि वास्तविकता ये है कि आप देख सकते हैं ये सड़क है और सड़क पे ऊबड़ खाबड़ है और जानवर भी बैठे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि शायद संपूर्ण सहयोग उनको सरकार का नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम इस समय हैं टोंक के घंटाघर इलाके में और बात कर रहे हैं कि नगर परिषद ने पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है, कितने संतुष्ट हैं यहाँ के लोग। भाई नाम क्या है आपका? नंदकिशोर जी नाम है। निकिशोर जी, एक चीज़ बताओ कि पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि नगर निगम, यह जो यहाँ की नगर परिषद है उसमें जो यहाँ के सभापति हैं लक्ष्मी जी, कितना काम करवाया उन्होंने? सब बहुत अच्छे काम करवाया है लक्ष्मी जी ने, यहाँ के जो रोड भी बनवाया है और यहाँ की जो सर्किल है उनको भी सही करवाया है, यहाँ के जो पार्क हैं उनमें भी काम करवाया है। और साहब हम यही चाहते हैं हमेशा आगे भी वही सभापति। अच्छा, ये जैसे गाय बैठी हैं या सुअर घूम रहे हैं, सफाई तो भी क्या, इनको उठवा दिया गया था, लेकिन ये क्या है, जानवर इतने हो गए वो भी क्या करें, उनको बंद भी करवा दिया, गौशालों में भिजवा दिया था, लेकिन फिर ही वापस आ गए। और भाई साहब से बात करते हैं, भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम बजरंग लाल विजय। बजरंग लाल जी, क्या लगता है आपको कि अब चुनाव होने वाले हैं नवंबर में नगर निगम की, यहाँ पे जो नगर परिषद है उसके चुनाव होने वाले हैं, और जो भी पार्टी आएगी फिर दावे करेगी कि हमने अच्छा काम करा, आपको क्या लगता है इन 5 सालों में यहाँ पे कितना काम हुआ होगा? काम बहुत हुआ है और अच्छा काम हुआ है। काम अच्छा मतलब सफाई, किस ऐसा कौन सा फ्रंट है जिसपे फेल रही है या जो काम की अपेक्षा थी उनसे वो नहीं हो पाया? एक तो सड़क है, सफाई है, व्यवस्था है, दूसरी इनमें कोई कमी रही सड़क और सफाई में? कमी तो सभी के में रहती है, तो ठेकेदारों के मेरे ढलान या पानी की निकासी सही नहीं होने से थोड़ा काम। अच्छा, एक आम समस्या होती है सभी स्थानीय निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद, कि सड़कों पे जानवर बैठे रहे, जैसे यहाँ पे भी सड़क गाय खड़ी है, गाय बैठी है, तो ये क्यों नहीं हो पाता, क्यों, क्या कारण मानते हैं? अब ये तो प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं है। और लोगों से बात कर लेते हैं कि भाई जी नाम क्या है आपका? जी मुबारक नाम है मेरा। मुबारक जी, एक चीज़ बताओ कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर जो नगर परिषद की आपकी जो सभापति हैं लक्ष्मी जी, उन्होंने कितना काम किया है? सब काम तो जहाँ तक है करते ही हैं लोग, मगर कुछ शिकायतें यूँ रहती हैं कि नगर परिषद बहुत से कोशिश करती है कि साहब गाय डांडे नहीं रहे, ये नहीं रहे, मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे मानते नहीं होते हैं। मगर हमारा मानना ये है कि ये चीज़ तो एक अलग है कि सफाई व्यवस्था ये तो बहुत अच्छी है, पूरे भारत में हो रही है सफाई, मगर मैंने जो आज के 40 साल पहले एक गाना सुना था कि भगवान ना करे मेरे देश को कोई भी ऐसा नेता ना मिले, खुद भी डूबे, देश भी डूबे और जनता को भी ले डूबे, हम तो ये देख रहे हैं कि जनता सब परेशान है और सब दुखी है। तो परेशान होने के कोई कारण तो होंगे जब आप कह रहे हैं कि अच्छा है कि हर चीज़ महंगी है। नगर निगम या नगर परिषद क्या, आप नगर निगम से पूछ रहे हैं, मगर हम देश के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इस टाइम देश परेशान है। अच्छा, जब वोट डालने जाओगे तो ये चीज़ मायने, ये दिमाग में रहेगी आप? बिल्कुल रहेगी साहब, मगर होता क्या है ये तो आप सब जानते हैं। और क्या क्या वोट जब वोट अब डालने जाओगे और क्या क्या चीज़ ध्यान में रहेगी, क्या ट्रिपल तलाक, क्या धारा 370, ये सब भी आप ध्यान रखोगे? देखो धारा 370 बहुत अच्छी भी है,
मेरा मानना ये है कि सब, मगर अब कुछ लोग इस लेकर इस चीज़ को विवाद बना रहे हैं तो ये गलत है। तो ये चुनावी मुद्दा आप मानते हैं, बनाएगी बाद में बनाएगी? जी चुनावी मुद्दा तो है साहब, ये रहेगा मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अचानक, अच्छा एक देश नहीं है, मणिपुर है, आसाम है, सब जगह ये धारा लगी हुई है, वहाँ क्यों नहीं हट रही, वहाँ भी एक था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के चुनाव में क्या क्या और मुद्दे रह सकते हैं, यहाँ के चुनाव पर्टिकुलर अगर टोंक की बात करो? मैं सियासत भी बिलोंग करता हूँ, मेरा मानना ये है कि टोंक बहुत अच्छा, वैसे सफाई व्यवस्था रही है टोंक में, पहले गाय ढांडे रोड पर बैठे रहते थे, बस वाला आवाज़ देते रहते थे, नगर निगम जहाँ तक बहुत अच्छा कर रही है, मगर मेरा मानना भाई साहब नगर निगम जो काम कर रही है वो तो कर्मचारी बेचारे काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर हमारा कहना ये है कि देश के अंदर जो व्यवस्था अर्व्यवस्था बिगड़ी है, ट्रांसपोर्ट नगर वाले लोग खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ जाम खड़ी हैं, कोई पता ही नहीं है, दस दिन का भाड़ा। मुबारक भाई का मानना यह है कि जो देश के मुद्दे हैं वो भी इन चुनाव में, जब नगर यहाँ नगर परिषद के चुनाव होंगे तो वो चीज़ यहाँ पर मायने रखेगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफ़ी। आप यहाँ के रहने वाले? रफ़ी भाई जयपुर रहते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार जब नवंबर में चुनाव होंगे तो मुद्दे क्या होंगे इन चुनाव के, चाहे आप जयपुर रहें, टोंक रहें या कहीं भी रहें, मुद्दे क्या होने वाले हैं? सर मुद्दे तो सबसे बड़ा मुद्दा तो रोज़गार का ही है, हर आम आदमी परेशान है रोज़गार से, हर आदमी को ये ज़रूरी है कि सबसे पहले मेरा घर के अंदर राशन पानी उसकी परेशानी नहीं हो, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि जो मजदूर लेवल के लोगों बहुत परेशान है। तो आपको लगता है ये सारे मुद्दे हैं इनको देखकर युवा वोट देंगे? चलिए रफीक भाई का मानना है कि कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर स्थानीय लोग उनको मायने नहीं रखेंगे। और भाई साहब से बात करते, भाई साहब नाम क्या है? हाँ रामोतार दीक्षित। दीक्षित साहब आप यहाँ के टोंके रहने वाले? नहीं टोंक से पास में गाँव है यार, चंदड़ा बमोर है। अच्छा आपको लगता है कि जब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे या हमारे नगर परिषद के चुनाव होंगे तो आप आते रहते होंगे, कितना विकास देखते हैं इस टोंक में पिछले पाँच? अच्छा है, पहले से बेटर है, पहले जो सरकार थी उससे बेटर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि जो चुनावी मुद्दे होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, यहाँ के विकास योजनाएं होंगी कि राज्य की सरकार की योजनाएं होंगी या फिर राष्ट्र की धारा 370 या ऐसे कुछ मुद्दे होंगे? राज्य सरकार अलग चीज़ है, यहाँ ये लोकल जो मामला है ना यहाँ का वो अलग है, यहाँ के हिसाब से बेस्ट अच्छा रहेगा, मतलब जो अभी जो अभी अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है ना, जैसे नगर पर कुछ साफ सफाई, कुछ अपने जो भी प्राकृतिक वो है चीज़ें, जैसे नया बस स्टैंड बना है तो उसमें ऐसे बहुत बढ़िया रहा है, मतलब ये भी संतुष्ट हैं, और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं, दुकानदार हैं इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीष टिक्की वाले। मनीष भाई क्या लगता है, आप यहाँ देख रहे होंगे पिछले 20-30 सालों से देख रहे होंगे इस टोंक का विकास देख रहे होंगे, पिछले 5 सालों में जो नगर परिषद ने काम किया है उनकी तुलना यदि पहले से करो तो कैसे लगता है? नगर परिषद की तुलना अगर 5 सालों में की जाए तो बहुत अच्छा विकास हुआ है, हर जगह सौंदर्यीकरण हुआ है, साफ सफाई बढ़ी है, सारे काम बढ़िया हुए हैं नगर परिषद की तरफ से, सब काम बढ़िया हुए हैं, लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ बढ़िया हुई है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी अपेक्षा थी कि ये काम भी होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? थोड़ा सा ये गलियों में इनमें अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, वो उसकी अपेक्षा थी वो नहीं हो पाया हमारे यहाँ पर। उसका कारण क्या मान? अब कुछ भी कारण मान सकते हैं, प्रशासन की बेरुखी या कुछ भी है, मतलब ये कुल मिला के गलियों में जो छोटी छोटी गलियाँ हैं मोहल्ले हैं उनमें अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, लोगों ने चबूतरे बना दिए रोडों पे। अच्छा, सफाई अभियान पे कहो या सड़क पे आवारा पशु वाली जो फ्रंट है वो पशुओं की समस्या तो है सर, आवारा पशुओं की समस्या तो है, नगर परिषद की एक कमी है, ये आवारा पशु बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बाजार में, और इधर बम्बोर गेटों पर, इधर बस स्टैंडों पर, इधर आवारा पशु बहुत ज़्यादा है, गायें बहुत ज़्यादा है। ऐसा नाम क्या है आपका? राम किशन गुप्ता। अब आपके विचार से और क्या क्या होना चाहिए था इन 5 सालों में जो नहीं हुआ? वो काम हुआ है जो 50 साल में नहीं हुआ, ये 5 साल में गुप्ता काम करवाया है नगर पालिका ने, बाकी अब ये तो कुछ लोग तो की वजह से ही कुछ ये अतिक्रमण जो गलियों में हो रहा है, ये कुछ लोगों की वजह से ही हो रहा है, कुछ तो कुछ नेता नांगड़ा सपोर्ट कर जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती, बाकी ऐसी कोई कमी नहीं है उसके अंदर। यहाँ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं कि इस टोंक में कितना विकास कार्य हुआ, एक बालिका है यहाँ इनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया नाम क्या है आपका? मोनिका सैनी। अच्छा मोनिका, जब आप सड़क पर चलते होंगे तो आपको क्या लगता है कि यहाँ गाय वगैरह है या नहीं है सड़कों पे? है, गाय वगैरह सारी है। ये नगर परिषद की जिम्मेदारी होती है कि सड़कों पे गाय, तो आपको क्या लगता है इस पर फेल हुई नगर परिषद या पास हुई? इसमें ये मैं नहीं बता सकती। नहीं भाई, आप देखते होंगे ना क्योंकि आप गाड़ी चलाते हैं कि अचानक से बीच में आ गए, सो और बीच में आ गए, ऐसा होता है टोंक में? नहीं अभी तो इतना तो नहीं है, कम है। अच्छा, और अगर सड़कों की या सफाई व्यवस्था को देखें तो क्या लगता है आपको? अभी टोंक तो ठीक हो गया, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर इनसे, भाई साहब से, युवा हैं भैया, नाम क्या है आपका? वही तो, क्या लगता है आपको कि जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें टोंक का डेवलपमेंट नगर परिषद के द्वारा जो किया जाना होता है वो कितना हुआ होगा? 70%। तो 30% ऐसा कौन सा काम है जो बाकी रहेगा?
बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। एक तो आवारा पशु घूमते हैं और ये साफ़ सफाई देखो आप भाई, दिन में तो बार सफाई होनी चाहिए, सफाई नहीं हो रही। एक लाइट का काम अधूरा है अभी इस टाइम, रात को सड़कों पे लाइट नहीं होती, गली में लाइट नहीं होती, और जैसे अभी बारिश के कारण कीचड़ हो रहा है, साफ़ सफाई बदबू आ रही है, कचरा वचरा जम रहा है, वो चीज़ सब कुछ बाकी है। अच्छा तो अगर आपको ऊपरी ये चमक हुई है, अच्छा ऊपर की चमक हुई है, कह रहे हैं कि ऊपर की चमक हुई है, तो आपको कहा जाए कि जो नगर परिषद की सभापति हैं उनको नंबर देने हैं पेपर में, उनको पेपर दिया आप लोगों के लिए। सभापति ने बहुत अच्छा काम करा है, एक तो गार्डन बहुत अच्छा करा दिया, आज के टोक के कार्यकाल के अंदर सबसे अच्छा काम करा है नगर परिषद चेयरमैन ने, इसमें दोहराए नहीं बिल्कुल भी, हर व्यक्ति उनसे खुश है। अब एकदम से पूरा डेवलप तो होता नहीं कोई चीज़ का, धीरे धीरे टाइम लगता है, उन्होंने बहुत काफ़ी चीज़ सुधारी है। पार्क कभी ज़िंदगी में सुधरती नहीं, पार्क इतना अच्छा डेवलप हो गया, बहुत अच्छा हो गया, फुहारे लग गए चौराहे पे, डेवलप चल रहा है, परंतु अब कार्यकाल उनको और मिले ना फिर पूरा डेवलप हो जाएगा। अच्छा आपको लगता है कि यदि उनको मौका मिलना है तो दोबारा वो चुनी जा सकती है? बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ये इनका कहना है कि कुछ मौका मिलना चाहिए। एक और भाई साहब है, इनसे ही बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जी सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश यहाँ की टोंके ही रहने वाले हैं, बोट वोट डालते हो? हाँ डालता हूँ सर। खुद के डालते हो दूसरे के डालते? नहीं खुद का डालता। अच्छा खुद के डालते हैं। तो एक चीज़ बता दीजिए कि इस 5 साल के कार्यकाल में नगर परिषद ने कितना काम किया है? बहुत काम किया है टोंक में नगर परिषद ने। कौन कौन सा काम किया? हमारे यहाँ ये क्या बोलते हैं, छावनी चौराहे पे बढ़िया गाय की मूर्ति वूर्ति लगा दी, और बढ़िया चतुर्भुज तालाब में सीढ़ियाँ वीडियाँ बना दी, बढ़िया साफ सफाई हो रही है टोंक शहर के अंदर अभी इस टाइम। बस खाली एक ट्रेन का काम नहीं हो रहा। अच्छा ट्रेन का काम नहीं हो, तो ट्रेन का काम तो अभी नगर निगम का नहीं है, नगर परिषद या नगर निगम का नहीं होता। अभी ट्रेन तो सरकार के हाथ में है ना, सरकार ही ला सकती है। और यहाँ पर लोगों से बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ फूल यहाँ पर बेच रहे हैं, फूल माला बनाने वाले लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बाऊजी नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? हम अवतार है। अच्छा रामावतार जी, आप काफ़ी सालों से फूल माला का काम करते हैं? हाँ फूल माला। तो यहाँ और सामने ही नगर परिषद भी है आपके, कई देखे होंगे, कई लोगों को चेयरमैन बनते देखा होगा, सभापति। आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में कितना काम यहाँ पे हुआ है? काम कितना हुआ है? अच्छा काम कराई। अच्छा काम कराया। ऐसा कौन कौन सा काम था जो करवाया उन्होंने? ये सड़क बनवाई और ये डलवाया, बीच में लाइन बढ़िया करवाए, बढ़िया काम करवा दिया। तो ये गाय वगैरह अभी भी ये जैसे बैठी है, ये सब तो बैठे हैं अभी भी? ये तो हमेशा बैठते हैं अभी। नहीं ये तो नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पालिका काम होता है ना कि इनको हटाए, कोई गौशाला में भिजवाए? नहीं नहीं जाती, यहीं रहती चारा चरती भी जाती, धर्म करते हैं लोग। अच्छा ये धर्म है। और मान लीजिए इनकी वजह से एक्सीडेंट हो गया तो कौन सा धर्म होगा? वही जाने पे फिर तो वही जाने उसमें फिर तो प्रदर्शन, फिर हम प्रदर्शन करने चले जाते हैं नगर परिषद के सामने कि साहब आप जानवर तो हटाते ही नहीं हो। हटते नहीं, यहीं रहते हैं जानवर ये। अच्छा हटते ही रहते साहब, इनका कहना ये कि हटते नहीं है, नगर जो नगर परिषद है उसका काम है। लेकिन ये बड़ी दिक्कत की बात है कि गायें और पशु जो आवारा पशु है वो सब जगह ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा आपको ये कहा जाए कि 10 में से नंबर दो, लक्ष्मी जी को नंबर दो, कितने नंबर दोगे 10 में? भाई हम तो चाहते हैं अगर आपके वार्ड मेंबर का चुनाव जैसे चेयरमैन बनने का हो तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि काम नंबर कितने दोगे? वोट तो दोगे, नंबर कितने दोगे 10 में से? 5, 7, 8 कम से कम 9 नंबर दे देंगे। अरे गजब, ये 9 नंबर दे रहे हैं इसका मतलब अच्छा काम किया है। आप कितने नंबर दोगे वसीम भाई, यदि लक्ष्मी जी के लिए कहें कि आप 10 में से नंबर दो, कितने नंबर दोगे? हम तो 10 के 10 नंबर उनको लक्ष्मी जी को देंगे। आपसे कहा जाए कि कितने नंबर देने हैं तो कितने नंबर दोगे लक्ष्मी जी को? सर 5 में से 10 में से 5 नंबर मान। ये 10 में से 5 नंबर दे रहे हैं, कितने नंबर दोगे आप लक्ष्मी जी को अगर कहा जाए कि 10 में से आपको नंबर देने हैं? 10 में से 8-9 नंबर जाएंगे मेरे। 8-9 नंबर देंगे मतलब पास हो गए वो, तो इनकी परीक्षा में तो पास हो गई। अगर आपको कहा जाए कि लक्ष्मी जी को 10 में से कोई नंबर देने हैं तो कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 11 दूंगा सर। 10 में से 11 देंगे, मतलब इनके हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि नंबर देने हैं आपको, लक्ष्मी जी को नंबर देने हैं 10 में से 10 का पेपर था, तो 10 में से कितने दोगे आप? 10 में से 11। ये भी उन मतलब अति संतुष्ट व्यक्ति हैं जो 10 में से 11 नंबर देंगे। चलिए अगर आपको कहें कि लक्ष्मी जी को 10 में से नंबर देने हैं, कितने दोगे आप? मैं 10 में से 10 ही दूंगा। ये 10 में से 10 देंगे मतलब संतुष्ट हैं। यदि आपसे कहा जाए कि लक्ष्मी जी को आप नंबर देने हैं 10 में से, कितने दोगे आप? लक्ष्मी जी को पूरे ही नंबर मिलने चाहिए, अब जितने नंबर आने चाहिए वो तो 1% 2% तो कमी रहती है। चलिए आप संतुष्ट हैं इसका मतलब। अच्छा आपको यदि कहा जाए कि आपको मार्क्स देने हैं, जो यहाँ की सभापति हैं लक्ष्मी देवी जैन, उनको मार्क्स देने हैं 10 में से, कितने दोगे आप? मैं 10 में से 9 मार्क्स दूंगा उनको, 1 मार्क्स सिर्फ जानवर को ही काटूंगा। इन्होंने
यूँ कहें कि पूरे 90% मार्क्स दे दिए, आप कितने नंबर देंगे लक्ष्मी जी? मैं तो 10 में से 10 ही देंगा। अच्छा, आपको यूँ कहा जाए कि नगर परिषद की जो चेयरमैन है उनको मार्क्स देने हैं 10 में से एज ए टीचर, तो कितने नंबर देंगे आप? 9 मार्क्स देंगे। ये 9 मार्क्स देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अगर मार्क्स देने के लिए कहें कि आप टीचर हो और लक्ष्मी देवी जी को जो पेपर दिया आप लोगों की सेवा करने के, उसमें कितने मार्क्स आएंगे? कम से कम 80% तो आएंगे। 80% मतलब 8 नंबर 10 में से मान लें। चलिए, इनका कहना है कि 80% जो मार्क्स हैं वो उनको मिल रहे हैं। आगामी नवंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए आज हमने जाना है टोंक की जनता का मूड कि यहाँ की नगर परिषद और नगर परिषद सभापति लक्ष्मी देवी ने पिछले 5 साल में टोंक के लिए कितना काम किया है। और जनता का मूड जब चुनाव आते हैं तब तक बदलता भी रहता है और उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार, विश्वास के अनुसार जो भी उम्मीदवार घोषित होता है उसके हिसाब से जनता का मूड बदल जाता है। तो कह नहीं सकते कि चुनाव तक यहाँ की जनता का मूड जो अभी है वही रहेगा या फिर बदल जाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे स्थानीय निकाय की जनता का मूड आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।